ये पहुंच चुके हैं हम इस समय शाह रोड पर, और थोड़ा सा पानी भरा हुआ है, यहाँ से हम निकल रहे हैं। ये आई थिंक स्कूल है साथ में ना। हाँ यस, सामने जो है वो काला आम आपको दिखाई दे रहा है। गाइस हम पहुंच चुके हैं काला आम के बिल्कुल पास, और काला आम भी क्या ऊपर पहाड़ों पे काला आम है थोड़ा सा ऊपर चढ़ने के बाद। वैसे ये नारायणगढ़ नाम की जगह है और यहाँ से त्रिलोकपुर की ओर हम मुड़ जाते हैं। तो पहुंचने वाले हैं, हमारा इंतज़ार, हमारा सफ़र जो है वो अब ख़त्म होने वाला है। रोड बहुत ही डस्टी है गाइस, क्योंकि बारिश के बाद जो थोड़ी सी सनलाइट पड़ती है तो सूखापन था यहाँ पे। और मैंने देखा कि हरियाणा में तो आज मौसम बहुत अच्छा था, बट यहाँ पे इतना अच्छा मौसम नहीं था। ये रोड बिल्कुल सूख चुका है और डस्ट उड़ रही है। तो वाइज़र लगा रहा हूँ तो तभी आवाज़ अच्छी आ रही है, अदरवाइज़ आवाज़ अच्छी नहीं आ रही है। तो इसके लिए आई एम सो सॉरी कि आपको वॉइस क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं मिल पा रही है, बट फिर भी आप जो है वीडियो को एंजॉय कर सकते हैं। और लोग चले जा रहे हैं इस समय, और मैं ये देख रहा हूँ कि सामने ना एक टोल कटता है हमारा हिमाचल एंट्री पे, और मैं वैसे बाइक का कटता नहीं है, बट फिर भी मैं रिस्क नहीं लेना चाहता वहाँ पे आगे जाके टर्न करके क्यों आऊँ। तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ से एक गली जो है वो टर्न करती है, वो देख रहा हूँ टायर वगैरह की दुकान है साथ में, उसके साथ से जाती है। काफ़ी टाइम हो गया ना मुझे आए हुए, तो थोड़ा सा रहता है। हाँ शायद यही है वो स्ट्रीट, यस भारत माता चक्की आटा यहीं से है और यहीं से हम निकलते हैं। अरे अंकल आप तो सारा ही रास्ता घेर के खड़े हो, चलो चलो ओके। पतली सी गली है दोस्तों, ये गली जो है निकल जाती है, यहाँ से आप अपना टोल वोल बचा सकते हो। आंटी ज़रा रास्ता दो मेरे ब्लैक टाइगर को, थैंक यू एवरीवन। लेफ़्ट साइड में इतना सुंदर घर बनाया हुआ है, बट मुझे नहीं लगता इसकी कोई वैल्यू है, क्योंकि कोई देख तो पाता नहीं है। सामने ऐसा घर है और पतली सी गली है, और ये हम चलते हुए, ये देखो ये खड़ा इडियट यहाँ पे पर्चियाँ काट रहा है, इसी का डर था मुझे, इसी से बचने के लिए हम आए थे। और कार वाले से इसने आई थिंक लिया है यहाँ पे जो टैक्स है, और यहाँ से हमें लेफ़्ट मुड़ जाना होता है और सीधा स्ट्रेट हम चलते हैं। गाइस हम आ चुके हैं उस रोड पे त्रिलोकपुर, और ये देखो मिट्टी के पहाड़ आपको दिखाई देंगे। तेज़ी से हम यहाँ पे आगे बढ़ते हुए पूरी स्पीड के साथ, क्योंकि रोड खाली हैं, सूखे हैं, और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बारिश वगैरह नहीं हुई है। अंकल जी चलते हुए मेरे सामने, और ये विकास बोर्ड आ चुका है जो हमारा स्वागत कर रहा है कि त्रिलोकपुर में आपका स्वागत है। और इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हुए फटाफट, गधा खड़ा हुआ है, एंड यहाँ से राइट टर्न करके ये ब्रिज हम पार कर रहे हैं। ये कर लिया है हमने ब्रिज को पार, और ये सामने जो बोर्ड दिखाई दे रहा है इस पर पूरी कहानी का वर्णन है, और माता का जो मंदिर है, मेन मंदिर है, उसकी फ़ोटो भी है। तो यहाँ से चलते हुए कलर बड़े ही डीप किए हुए हैं, और ये सीधा स्ट्रेट रोड जाएगा जो हमारा मेन मंदिर है माता रानी जी का, माता बाला सुंदरी का, उसके हम दर्शन कर रहे हैं। और यहाँ से हमें राइट करना है, सीधे नहीं जाना, लिखा भी हुआ है, डायरेक्शन बोर्ड वहाँ पे लगा हुआ है। और ये सीधा हम ऊंचाई पर बढ़ते हुए पहाड़ को काटा हुआ है, मिट्टी का पहाड़ है, मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल भी इसको देख के, लेकिन ये है कि चलो ठीक है, और डस्टी है। ट्रैक्टर जी थोड़ा रास्ता दीजिए, बच्चे साइड में खेलो, और हम ये यहाँ पर चलते हुए तेज़ी से हम निकल रहे हैं। और थोड़ी ही दूर है बस, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, 200-300 मीटर दूर रह जाता है। और ये एक प्लेन ग्राउंड है, यहाँ पर बैठ करके ना हम कई बार अपना पिकनिक टाइप में जैसे कुछ खाना वाना लेके आगे बैठ के लंच वंच कर लिया माता के दर्शन करने के बाद, तो वो करते थे। बट अब यहाँ पर साइड में कुछ लोग आ गए हैं, लेफ्ट में एक नदी टाइप बह रही है, जो नाला कहूँगा मैं, नदी नहीं, तो वो सब चीज़ें हैं। और हम पहुँच चुके हैं माता रानी की टेरिटरी में। ये प्रसाद वाले भैया, नहीं 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 हमें नहीं चाहिए, हम नहीं रुकेंगे। अरे भैया मत रोको, हमें जाने दो। बाइक पर एक कपल जा रहा है सामने पल्सर पर, और यहाँ पर ध्यानु भगत के दर्शन हमें करने पड़ते हैं, तो पहले मंदिर वही होता है। और ये चढ़ाई जो है वो शुरू हो चुकी है, पूरी स्टीप है यहाँ से रोड, और भाई रश बहुत है आज, पूरा रश है यहाँ पर। और हम देखते हैं कि, मैं सोच रहा हूँ पार्किंग कहाँ लगाऊँ। यहाँ पे ना ये प्रसाद वाले फोर्स करते हैं आपको कि आप गाड़ी यहाँ पार्क कर दो, तो कर भी सकते हैं, लेकिन फिर इनसे प्रसाद लो, अगर नहीं लोगे तो फिर ये वैसे ही थोड़ा सा बुरा मानते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि मंदिर के प्रांगण में ही अपने ब्लैक टाइगर को विश्राम करने के लिए जगह दूँ वहाँ पर।
जी मैडम जी, एक्सक्यूज़ मी, थोड़ा सा रास्ता दे दीजिए ताकि मैं यहाँ पे यहीं लगा देता हूँ, यहीं इसको खड़ी करते हैं। ओके ओके ओके, हाँ यहीं लगा देते हैं। सीढ़ियाँ देख रहे हो, सीढ़ियाँ ना गंदी पड़ी हैं, ये मिट्टी पूरी डस्ट से भरा पड़ा है और मैंने शूज़ पहने हुए हैं। अब इनको उतारूँगा नंगे पैर तो पैरों में मिट्टी लगेगी लगेगी। गाइस आ चुके हैं हम ध्यानु भगत जी के मंदिर में और प्रणाम करते हैं दिल से पूरा इनको, पूरी आस्था के साथ। आइए आप भी सीढ़ियाँ चढ़ें और दर्शन करें। माफ़ कीजिए, फुटेज बिल्कुल अच्छा नहीं है क्योंकि कैमरा जो है मैंने हेलमेट पर माउंट था तो उसको निकालना मैंने सही नहीं समझा, और शूटिंग करना भी यहाँ पर अलाउड नहीं है तो बस हेलमेट पे लगा था तो एक रैंडम वीडियो शूट हो गया ये अंदर ध्यानु भगत जी का। और जय जयकार हो इनकी, इनको हम दिल से प्रणाम करते हैं, आप सभी भी प्रणाम करें, इनका आशीर्वाद बना रहे और इनकी त्याग की जो भावना है जो इन्होंने शो किया है उनसे हमें अपने जीवन में शिक्षा लेनी चाहिए। और यहाँ से एंट्री हो जाती है, मेन एंट्री यहाँ पर है पर वहाँ से भी एंट्री कर सकते हैं। और ये भैरव जी प्रसाद ग्रहण करते हुए पीछे, ये मंदिर की बैक साइड है, यहाँ पर आप फोटोशूट वगैरह करा सकते हो। कंटीली झाड़ियाँ यहाँ डाली हुई हैं ताकि कोई इधर उधर ना हो, एंड देन घास में भी इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि यहाँ पे ये डॉगी वोगी घूमते रहते हैं ना तो कुछ ना कुछ गंद फैला के रखते हैं। तो सॉरी क्योंकि वीडियो फुटेज अच्छी नहीं है, हेलमेट पे ही लगा हुआ है तो मैंने उसको निकाला नहीं था कैमरे को, और मैं बस जस्ट मत्था टेक करके और यहाँ से निकलना चाहता हूँ फटाफट ताकि आपको मेन मंदिर जो है उसके दर्शन करा दिए जाएं। गाइस स्वागत है आपका मेन मंदिर में, इस समय हम मौजूद हैं मेन मंदिर के प्रांगण में और आप देखिए इतने भव्य मंदिर माता रानी का, बहुत ही सुंदर। और वो लंबी लाइन 1.5 घंटा हमें लगा उसको पार करने में और दर्शन करने में। यहाँ पर वीडियोग्राफी बिल्कुल अलाउड नहीं है बट फिर भी हम थोड़ा सा रूल तोड़ करके आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको माता रानी के दर्शन करा रहे हैं। बहुत बढ़िया ये बनाया हुआ है और पूरा टीन की शेड लगाई हुई है ताकि गर्मियों में आप लोग बड़े आराम से यहाँ पर बैठो, और बहुत ही शांति यहाँ पर महसूस होती है। मंदिर की पॉजिटिव वाइब्स हैं चारों तरफ, श्रद्धालु हैं जो प्रसाद चढ़ा रहे हैं, नमन कर रहे हैं, अपनी इच्छाएं व्यक्त कर रहे हैं माता रानी के दरबार में। माता रानी जो है सबकी इच्छाएं पूरी करती हैं, सबकी मुरादें पूरी करती हैं, तो लोगों की गहन आस्था यहाँ पर देखने को मिलती हुई। मेरे सामने जो काउंटर है वो दान के लिए बने हुए हैं, तो आप अगर दान देना चाहते हैं, गुप्त दान यदि आप देना चाहते हैं तो इस मंदिर की ट्रस्ट को आप दे सकते हैं। और देखो कितना सुंदर है, रंग बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारे। और ये थोड़ी सी फ्रंट वाली साइड आ जाती है जहाँ से एंट्री करते हैं, ये ग्रिलिंग यहाँ पर लगाई गई है, इसका बहुत बढ़िया बेनिफिट है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि कोई धक्का मुक्की नहीं होती है, कोई परेशानी नहीं है, आप एक प्रॉपर पैसेज के थ्रू ही वो जाते हो और दर्शन करते हो तो बढ़िया। और वो टीन के नीचे पंखे वंखे लगाए हुए हैं तो गर्मी में कोई दिक्कत भी नहीं होती है। और ये विशाल पेड़ जिसके नीचे माता रानी का मंदिर है, और ये साइड में यहाँ पर ढूंढा वूना लगता है, और शेर की मूर्ति है, सिंह माता रानी के शेर की जो सवारी है वो। दर्शनों के बाद अब चलते हैं घर की ओर। वैसे तो मैंने सोचा था कि थोड़ा सा आपको कालाम और ऊपर तक थोड़ा सा पहाड़ों को दिखाया जाए पर गर्मी बहुत लग रही है गाइस, एकदम ह्यूमिडिटी है यहाँ पे और पहाड़ों पे मेरा बिल्कुल भी मन अब अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल भी, तो मन कर रहा कि सीधा घर ही चलूँ। तो बस थोड़ा सा एक राउंड ले करके, क्योंकि थोड़ा सा मेरे पास खाना है वो मैं सोच रहा हूँ कि कहीं बैठ के आराम से खाएं, लंच करें और चलें। वैसे तो भंडारा यहाँ पे लगा हुआ होता है, लोग कहते हैं बहुत अच्छा प्रसाद होता है, बट मेरा मन नहीं था क्योंकि रश बहुत था और रश वाली जगह पर ना बैठ के खाना और प्रसाद ग्रहण करना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। बाकी प्रसाद हमने ले लिया माता रानी का, वो हम घर जा कर के सेवन करेंगे उसका और बाँटेंगे भी उसको। थोड़ा सा घुमावदार सड़कें, ड्राइव करने में मज़ा आ रहा है बट वो फील नहीं आ रहा जो उत्तराखंड में मुझे आता है या हिमालय पे जो आते हैं। और देखते हैं कोई अच्छी सी जगह जहाँ पर बैठ करके हम थोड़े से जो भी खाना वाना है वो खा सकें, एंड देन सीधा घर की ओर। ये मंदिर कैसा है, यहाँ पे कर सकते हैं हम, नहीं रहने दो कुछ और देखते हैं आगे, यहाँ पे वैसे रुक तो सकते हैं बट चलो चल ही बढ़ते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, ये था पार्ट टू, माता रानी के आपने दर्शन किए बाला सुंदरी माता के त्रिलोकपुर के अंदर, हिमाचल पड़ जाता है वहाँ पर, और वो दर्शन आज हमने आपको कराए तो आप घर बैठे दर्शन कर सकते हैं। माइल्स ऑन व्हील्स पे आप सभी का प्यार मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
जो भी इन वीडियोस को देख रहे हैं अगर आपको अच्छी लग रही हैं, शर्त है कि अगर आपको अच्छी लग रही हैं तो आप लाइक करें, क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है एक एक वीडियो को बनाने में, और माइल्स ऑन व्हील्स पर बने रहने के लिए पेशेंस के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे इजाज़त दीजिए, राइड को मैं एंड करूँगा अपना लंच करके सीधा घर की ओर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा आप अपना भी और सभी का।